हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी मैं किचन में हूँ और ये देखिए, ये भाजी है, सहजन फली का पत्ता है, ये पानी टपक रहा है, मैं अभी इसको धोई हूँ। ये देखिए, ये इसका फल है और ये इसका पत्ता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है। ये इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसकी मैं सब्जी बना रही हूँ जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैं धो चुकी हूँ, पहले मैंने इसको साफ किया था, साफ करके इसको मैं धो चुकी हूँ अच्छे से। तो कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, मैं इस पे ऑयल डाल दूँगी। और ये देखिए, मैंने लहसुन प्याज और खड़ी मिर्च ली है इसके लिए, और चने की दाल ये मैंने भिगा के रखा था। मुनगा का भाजी बोलते हैं हम लोग इसको, हमारे छत्तीसगढ़ में मुनगा भाजी बोलते हैं इसको। आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं मुझे, आप लोग बताना मुझे कि क्या बोलते हैं आप लोग। तो यही आज मैं बना रही हूँ। और ये ड्रम स्टिक है, ये तो आप लोग को पता ही है, ये भी पता ही होगा, इसकी भी सब्जी बनती है, काफ़ी लोग बनाते भी हैं इसको, हम लोग मुनगा बोलते हैं। गरम हो चुका है और ये लहसुन और मिर्च मैं पहले डालूंगी इस पे। लहसुन अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी। प्याज को भी थोड़ा ब्राउन होने तक पका लेंगे हम। हमारा भून चुका है, अब इसमें ये भाजी डाल दूंगी मैं इस पे। मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी, उसके बाद इसमें नमक और हल्दी मैं ऐड करूंगी। इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे हम। ये देखिए, नमक और हल्दी मैंने ले लिया है। साथ ही रख दूं और चने की दाल भी मैं इस पर डाल दूंगी। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम अच्छे से मिक्स करके, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालना है। भाजी काफ़ी फायदेमंद होती है, इसमें घुटने का दर्द वर्द भी शायद इसमें बताते हैं, बड़े बूढ़े बोलते हैं कि जिसको घुटने की प्रॉब्लम होती है उससे भी इसमें राहत मिलता है। भाजी हमारा पक चुका है, ये देखिए अच्छे से पक गया है भाजी हमारा। पास से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मुनगा भाजी रेडी हो गया है। अभी मैं मसाला पापड़ बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मैंने पापड़ ले लिया है, ये वाला पापड़ है, ये देखिए। और ये देखिए, धनिया ले लिया है मैंने, गाजर ले लिया है, टमाटर ले लिया है, खीरा ले लिया है, और प्याज और आधा नींबू लिया है, और थोड़ा सा हरा मिर्च लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है इसको, और जीरा पाउडर, काला नमक लिया है। पापड़ को भून रही हूँ मैं गैस पे, आप लोग तेल से भी फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दो पापड़ भून लिए हैं।
ये जो सलाद मैंने चॉप किया था ये भी सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं, इसमें नींबू भी डाल दिया है। ये देखिए मैंने पापड़ प्लेट में ले लिए हैं और ये सलाद भी सारा मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको पापड़ के ऊपर हम डाल देंगे। ये देखिए जीरा पाउडर और काला नमक हम इसके ऊपर से डालेंगे। ये देखिए मैं जीरा पाउडर डाल रहा हूँ इस पे। जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं। अभी काला नमक डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर से। ये देखिए चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, आप लोग डालिएगा जरूर चाट मसाला। तो ये देखिए हमारा मसाला पापड़ भी रेडी हो चुका है। दूसरा पापड़ भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो आज का मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।